हेलो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का अहम मुकाबला खेला जा चुका है। यहाँ पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम के कप्तान और सुमन गिल के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। भारत का पहला विकेट 121 रन पर रोहित शर्मा के रूप में, वही दूसरा विकेट 123 रन पर सुमन गिल के रूप में गिरा, जो की भारत के लिए एक तगड़ा झटका था। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने पारी को समाप्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 24 ओवर खेले थे कि बीच में बारिश होने लगी, जिसके चलते मैनेजमेंट ने मैच को रद्द कर दिया, जो कि 11 सितंबर को खेला जाने वाला था। जिसके बाद 11 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला फिर से शुरू होता है, जहां विराट कोहली और केएल राहुल के बीच अच्छी साझेदारी होती है। तो वहीं विराट कोहली और केएल राहुल के बल्ले से सेंचुरी भी आती है। विराट कोहली ने 94 बॉल पर 122 रन नाबाद खेले, वहीं केएल राहुल ने 106 बॉल पर 111 रन बनाकर नाबाद खेले। इन दोनों खिलाड़ियों के बल्लेबाजी के बदल भारतीय टीम का स्कोर 356 तक पहुंच गया, जिसके बाद पाकिस्तान को जवाब में 357 रन बनाने थे। वनडे मैच का बहुत ही बड़ा स्कोर माना जाता है। तो बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की टीम को 11 ओवर में इमाम उल हक के रूप में पहला झटका मिला। इमाम उल हक को जसप्रीत बुमराह ने सुमन गिल के हाथों कैच करा दिया। तीसरे नंबर पर आए बल्लेबाजी करने बाबर आजम को हार्दिक पांड्या ने बोल्ड कर दिया। चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने मोहम्मद रिजवान को शार्दुल ठाकुर ने केएल राहुल के हाथों कैच करा दिया। इस प्रकार पाकिस्तान की टीम तिनके की तरह बिखर गई। तो वही कुलदीप यादव ने अपने नाम 5 विकेट किए। इस प्रकार भारतीय टीम को 228 रन से बड़ी जीत हासिल हुई है। तो दोस्तों, बात की जीत से क्या आप भी खुश हैं, कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।